एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिनका ख्याल आपको हर वक्त आता रहता है, दिन रात आता रहता है, 24 घंटे आपको सिर्फ उसी पर्सन का ख्याल आता रहता है, चाहे गुस्से में आता हो, चाहे प्यार में आता हो, चाहे इमोशनल हो रहे हो तब आता हो, तो उस पर्सन के दिल में दिन रात आपको लेकर क्या चलता है 24 घंटे? क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? यही सब चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। याद आपको ये रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है गाइस। उसके अलग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको उसी पर्सन का नाम अपने मन में ज़रूर लेते रहना है जो पर्सन 24 घंटे आपके मन में रहते हैं, क्योंकि तभी आप अपने आप को उस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उसकी वजह यही है, क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जीज नहीं है। आप इस रीडिंग से अपने आप को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसकी सिंपल सी यही वजह है। तो उस चीज़ को प्रेशर नहीं लेकर देखना है या ज़बरदस्ती का कमेंट नहीं डालना है कि ये मेरे पर्सन की एनर्जी हो ही नहीं सकती एंड ऑल। वो तो आपको रीडिंग के दौरान खुद से पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग साथ में पहले से ही जुड़े हुए हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या चलता रहता है इस पर्सन के दिल और दिमाग में 24 घंटे। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। काफ़ी फीके फीके आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बुझी बुझी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है, एज इन कि आपका ना होना इस पर्सन को काफ़ी डिप्रेस्ड करता है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी शो ऑफ करके ये दिखाते हैं, दिल वीक हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, रो रहा है, लेकिन ऊपर से ये पर्सन काफ़ी सॉलिड पत्थर दिल आइसोलेट एनर्जीज में दिख रहे हैं, चाहे फिर वो आपके लिए हो या अपने दोस्तों के लिए या अपने परिवार के लिए ही क्यों ना हो। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी स्टॉक एनर्जीज में दिख रहे हैं ये, जिसमें आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। जैसे अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करके डेफिनेटली आपको देखते हैं, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड्स के माध्यम से इन्होंने कोई आपके ऊपर नज़रें छोड़ रखी हैं, तो स्पाई आपका पीछा डेफिनेटली करते हैं। देखिए ये घूम रहा है, साथ में ये भी पता चल रहा है कि 24 घंटे जैसे ये आपके दिमाग में चलते हैं, सेम आप भी इस पर्सन के दिमाग में 24 घंटे चलते हो, पूरा दिन आप ही इनके दिमाग में चलते रहते हो, तभी तो ये आपको स्पाई करते हैं। इनके साथ कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया, फिर अगर इन्होंने ब्लॉक नहीं कर रखा है तो मैसेज टाइप करा फिर डिलीट कर दिया, या फिर DP देखा और फिर बंद कर दिया, तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। नंबर 9, 6 जून मंथ और सेप्टेम्बर मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। आपके बिना ये पर्सन डेफिनेटली काफी अकेलापन फील करते हैं, एक मिसिंग एनर्जीज डेफिनेटली मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे अभी भी प्यार करते हैं, आपसे अभी भी मिलना चाहते हैं, आपका पीछा, आपकी यादों का पीछा ये अभी भी करते हैं। इवन इस पर्सन के मन में, दिल में वो मिलने की तड़प भी मुझे दिख रही है। और बट मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशन है, चाहे वो परिवार की हो, आपके परिवार वालों की हो, जो इन्हें सिर्फ आपकी यादों का पीछा करने तक ही रोक देती है। साइकिल कभी भी पूरी नहीं हो पा रही, वो भी थी, वो भी अलग डायरेक्शन में चली गई, और ये भी देखो अब अलग डायरेक्शन में जा रही है। पीछा आपकी यादों का तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं,
वजह मुझे दिख रही है, कोई ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे लोग जो वजह बने हुए हैं आप लोगों की दूरियों के। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आप में से काफ़ी लोग ना ऐसे हो, यानी कि आपके पर्सन और आप दोनों के नंबर्स सिमिलर हैं, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे राशियां आप दोनों की सेम हो सकती हैं, आप दोनों वाटर साइन के, एयर साइन के, अर्थ साइन के, इस तरह से हो सकते हो, या मंथ जो है वो आपका सेम हो सकता है, बर्थ डेट आपकी सेम हो सकती है, कुछ सिमिलैरिटी मुझे दिख रही है, या फिर आप दोनों की नेचर काफ़ी सिमिलर है, जैसे आप ये कह सकते हो दोनों को तुरंत गुस्सा आ जाता है, दोनों तुरंत मुँहफट की तरह बोल देते हैं, और काफ़ी लोग मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में, एक मिररिंग एनर्जीज़ में भी दिख रहे हो, सेम एनर्जीज़ वापस से बनी हैं, ठीक है, यानी कि काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं, जैसे आप में से कुछ लोगों को तो वजह ही नहीं पता इस पर्सन के जाने की, और या फिर वजह पता है तो उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं हुई है, जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन परेशान होते हैं, सैड होते हैं, और ये वो क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं, यानी कि आपके सामने बातों को डेफिनेटली क्लियर करना चाहते हैं, तभी ये बार बार ब्लॉक से अनब्लॉक करते हैं, मैसेज लिखते हैं, डिलीट करते हैं, अनब्लॉक ब्लॉक का गेम मुझे खेलते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है थोड़ा सा ना, ये पर्सन ईगोइस्टिक भी हैं, छोटी छोटी सी बातों को अपनी ईगो पर ले लेते हैं, तुरंत इनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो भी एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पर नंबर 7L लेटर भी दिख रहा है, आपके पर्सन ये आपसे रिलेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है जैसे कि इस पर्सन का जैसे जैसे मन करता है आपसे बात करने का, उतना अपने आप को चुप कर लेते हैं, और जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो, आप इन तक रीच आउट करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर इनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी इस पर्सन की साइड से दिख रही है, खुद से बात करते हैं तो वहाँ ईगो बोल हर्ट कर रहा है, और जब आप करते हो तो वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर चुप होकर बैठ जाते हैं, तो चिट भी अपनी, पट भी अपनी, भैया सिक्का तुम ही रखो वाली एनर्जीज इनकी दिख रही है बहुत ज़्यादा। देखो काफ़ी लोग आज की इस रीडिंग में मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, जैसी सोच आपकी है सेम सेट वैसी सोच आपके पर्सन की है। ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जैसे कि इनकी ज़िंदगी में कोई कलर नहीं है, तो ये इसे मानते हैं, 24 घंटे इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि मेरी लाइफ में कोई भी कलर नहीं है, कोई भी खुशियां नहीं है, बस ज़बरदस्ती की खुशियां मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, तो काफ़ी शो ऑफ वाली लाइफ ये पर्सन इस वक्त में जी रहे हैं, जो ये खुद फील करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती है, तो वो चीज़ें हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अब आपको ना इनकी उदासी का, इनके कोई भी स्टेटस का, कुछ भी डालते हो आप कोई अपनी तरफ से उस एक्शन का रिएक्शन नहीं दिखा रहे हो, यानी कि आप ऐसा दिखा रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी करते रहो, तो वो चीज़ें ना इन्हें और परेशान कर रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको क्या इनकी याद नहीं आ रही, क्या आपको वो चीज़ें परेशान नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर भी इनका ईगो हर्ट हो जाता है। ये इस तरह से जैसे आपको लगता है कि भाई मुझे ब्लॉक कर दिया, या कोई ऐसा स्टेटस डाल दिया, किसी फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स के साथ इन्होंने गेट टुगेदर का स्टेटस डाल दिया, या खुश होकर दिखा रही है, तो बेसिकली ये पर्सन ना आपको पोक कर रहे हैं आपका अटेंशन पाने के लिए। इस वक्त में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका वही अटेंशन, वही केयर चाह रहे हैं, और आप वो नहीं दे रहे हो, उस लेवल तक नहीं दे रहे हो जितना ये चाहते हैं, जिस लेवल तक इनका ईगो सेटिस्फाई हो, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने आप को पत्थर दिल बनाकर दिखा रहे हैं। 24 घंटे आप इनके दिल और दिमाग में चल रहे हो, उसके बावजूद भी ये पर्सन ऐसा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप इनका जाने अनजाने में ईगो हर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ
जो भी इस रिश्ते में मन मुटाव हुए हैं वो सिर्फ एक साइड से तो नहीं हुए हैं, कुछ गलती आपकी थी तो कुछ गलती इनकी भी थी, लेकिन उन गलतियों को पहले नहीं बोलना चाहते, यानी कि ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं कि हाँ एक्सेप्ट ज़रूर कर रहे हैं अपनी गलतियों को, लेकिन पहले मैं क्यों बोलूँ, पहल मैं क्यों करूँ, सामने वाला अगर करता है या करती है तो मैं फिर भी देखूँगा या देखूँगी, तो वो एनर्जीज भी है इस पर्सन की। ये जानते हैं आपको कि आप इन्हें डीपली प्यार करते हो, आप इनसे आज भी दिल से अटैच्ड हो, लेकिन आपका अटेंशन, आपका वही प्यार, आपकी वही केयर ये पर्सन चाह रहे हैं, वो एनर्जीज दिख रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के केस में तो ये पर्सन दुविधा में है, किसे सेलेक्ट करें, परिवार को, आपको, उन दोनों के बीच में जैसे अटके पड़े हों, तो वो भी एनर्जीज है। चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो डजंट मैटर, तो वो भी एनर्जीज यहाँ पे है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, आप ही के साथ जीना चाहते हैं, वो एनर्जीज है, लेकिन थोड़े जिद्दी किस्म के भी ये इंसान हैं, किसी जिद पर ये अटके पड़े हैं, उस जिद की वजह से अपने आप को जिताने के चक्कर में लगे पड़े हैं, प्यार को जिताने की जगह सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिताने पर इस पर्सन का ज़्यादा फोकस यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि सेपरेशन की दूरियाँ कहीं ना कहीं दोनों हैं, दोनों ही हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। ये आपको चाहते हैं, मतलब पाना चाहते हैं आपको, पागलों की हद तक ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन वही पहले से खुद से पहल नहीं करना चाह रहे हैं, और जब आप पहल करते हो तो बेसिकली इनके सामने वो एक्सक्यूजेस ज़्यादा हावी होने लगते हैं, वो एनर्जीज है। वैसे तो खुद से पहल नहीं कर रहे हैं, आप जब पहल करते हो तो वो एक्सक्यूजेस बना के दिखा देते हैं जिनके अगेंस्ट ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जिनका सामना ये नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। यानी कि एक ऐसे इंसान बने हुए हैं कि ये खुद तो सुलझ ही नहीं पा रहे हैं, कोई आकर इन्हें सुलझाने की कोशिश करता है तो ये उसे भी सुलझाने नहीं देते हैं, तो वो भी एनर्जीज है। ठीक है, बहुत रोने वाली एनर्जीज, मतलब आपको याद करके रोते तो ज़रूर हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें जाहिर नहीं करना चाहते कि आपको पागलों की हद तक अभी भी चाहते हैं, आप ही की तरफ अभी भी बढ़ना चाहते हैं, बट आपको ये चीज़ें ये जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, आपको जाते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। इवन इनके साथ ये हो रहा है, मतलब जा तो रहे हो, आप दूर जा रहे हो, ये दूर जा रहे हैं, वो चीज़ें ये नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी ये देख रहे हैं, क्योंकि ये दुविधा में है इस वक्त में। देखो ये बात यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है कि आपके पर्सन इस वक्त में स्प्लिट पर्सनालिटी बने हुए हैं, आपको कुछ और दिखा रहे हैं और सामने से इनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ये आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी आप ही के साथ चाहते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट पर अब ये पर्सन जेलसी फील कर रहे हैं आपसे, वो जेलिसी इस तरह से दिख रही है कि इन्हें दूर से आपके लाइफ में कलर्स दिख रहे हैं, या आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो इनको कि आप इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकते हो, आपके ऊपर किसी और का स्ट्रेस नहीं है, किसी और के डिसीजंस के तले आप नहीं दबे हुए हो, लेकिन ये दबे हुए हैं, उन चीज़ों की जेलसी ये करते हैं आपसे। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो, जहाँ पे अपने लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड लेना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, और ये उन चीज़ों से आपसे जेलसी भी फील करते हैं कि आपके सामने वो अड़चने नहीं हैं जो इन्हें फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो भी मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा देखो ये पर्सन आपको ये बनकर दिखा रहे हैं, एकदम पत्थर दिल बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन इन ये है नहीं ऐसे तुरंत टूट गए, मतलब अगर आप जाकर इनके गले लगोगे ना, आप इनको सीने से लगाकर बस ये बोलोगे कैसे हो यार, तो ये रो देंगे, वो एनर्जीज हैं, ये टूट जाएंगे, ये बिखर जाएंगे, वो एनर्जीज हैं इनकी। यानी कि इस वक्त में इस पर्सन को कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए जो इन्हें प्यार दे, इनकी केयर करे, जो इन्हें सुने, इनकी बातें समझे, वो एनर्जीज है। इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कि मेरे आसपास के लोग मुझे सुनना समझना नहीं चाहते हैं, तो वो मन में इन्होंने ना बातें
रख रखी हैं, वो बातें किसी को बोल नहीं रहे हैं, ये एनर्जीज बहुत है। नंबर 6, 9 मैंने आपको बताया ट्विन फ्लेम, तो बहुत लोग मुझे यहाँ पर आज की इस रीडिंग में दिख रहे हो, ठीक है। चलिए थोड़े से टैरो से और देख लेते हैं कि 24 घंटे और क्या चलता रहता है इस पर्सन के दिल और दिमाग में, और साथ में राशियां भी बताई जाएंगी आपको, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 9 of Cups, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 10 of Swords, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग में 24 घंटे, गाइड कीजिए। द ड्रीमर, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Wands। तो एनर्जीज डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जिसमें ये है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पे आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड एरीस, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो देखिए बेसिकली इस पर्सन के साथ ये हो रहा है कि ये खुश नहीं है, लेकिन खुश होकर दिखा जरूर रहे हैं। ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये जो चाहते हैं, ये सब इनके सपने जो हैं वो पूरे हो गए हैं, और अब ये उसी सपनों में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये उस सपनों के साथ दिखा जो रहे हैं आपको कि नई शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पर आप ये खुद देखिएगा, ये अकेले चल रहे हैं, और उसमें सिर्फ एक ऐसा अकेलापन इनके मन में है साथ में, जो इन्हें जाने नहीं दे रहा। यहाँ पे भी अकेले जा रहे हैं, जो इन्हें कंफ्यूज कर रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या फिर चलना चाहिए, रुक कर पीछे मुड़कर देखना चाहिए, और इसीलिए ये मुड़ मुड़कर किसी और के थ्रू या खुद से ही आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, उस एनर्जी में ये नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, एडिक्टेड हैं ये आपके लिए अभी भी। बात ये आपसे अभी भी करना चाहते हैं, 24 घंटे मोबाइल इनके हाथ में रहता है, 24 घंटे ये आपके फ़ोटो जो भी इनके पास हैं, डीपी, जो चैट है इनकी और आपके बीच की, जो पर्सनली आपने चैट करी है, ये उसे पढ़ते रहते हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पे ये ढूंढते रहते हैं 24 घंटे, वो एनर्जी है, और वो चीज़ें इनके मन में जलसी भी फील कराती हैं। किसी पॉइंट पर इन्हें ऐसा लगता है उन फोटोज़ को, डीपीस को देखकर, कि आप मेटरलिस्टिक सोच रख रहे हो अब, बट ये इमोशनली वीक हो रहे हैं, या आप अब इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपने फैसले खुद ले रहे हो, और ये ऐसे हैं कि ये बर्डन के तले दबे जा रहे हैं, ये अपनी विशेस को, जो भी लाइफ की इनकी विशेस हैं, सपने हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने लक को अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, यानी कि आपको साथ में नहीं लेकर चल पा रहे हैं, तो वो चीज़ें इनके मन में 24 घंटे चलती हैं। तो ये पर्सन इस वक्त में बेसिकली अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और अकेले ही चल रहे हैं, जो मैंने बताया कि इनके पास कोई एक ऐसा पर्सन भी नहीं है जो इनके मन की तनकी सुन सके, यानी कि काफ़ी शो ऑफ वाली लाइफ ये पर्सन जी रहे हैं, वो एनर्जीज है। चलिए इस पर्सन के मैसेजेस और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड, ठीक है। टैरो से ही देखेंगे मैसेजेस की आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बात तो बेसिकली ये पर्सन करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन्हें समझ सके, जो इन्हें सुन सके। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Swords, काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जीज हैं इनकी डेफिनेटली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको तो यही समझ रहे हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंसी, 8 of Wands की तरफ बढ़ रहे हो। नंबर 8 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 7 और 8 मैसेज हम पढ़ रहे हैं, 7 मैसेज पढ़ रहे हैं इस पर्सन के। नंबर 13 भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, अपने दिल को आपके सामने खोल कर रखना चाहते हैं। जो इनके दिल में एक तूफान चल रहा है, जो नेगेटिविटी चल रही है, जो सुकून नहीं है, जो शांति नहीं है, उसे सबको आपके सामने खोल कर रखना चाह रहे हैं, अपने दिल को हल्का करना चाह रहे हैं आपको बताकर, क्योंकि वो बातें, वो स्ट्रेस इनके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, 24 घंटे
घंटे चलता रहता है। या आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं, जो मैंने यहाँ भी बताया, एक स्टेबिलिटी आप ही के साथ देखते हैं, लेकिन इनके मन में आपको लेकर ये चीज़ें चलती हैं कि आप अब इनसे प्यार नहीं करते हो, आप दोनों दूर हो गए हो, प्यार दूर हो गया है, आप बदल गए हो, ये बदल गए हैं, आप दोनों के रास्ते बदल गए हैं, जो चीज़ें इन्हें आपसे ना बात करने के लिए फोर्स भी करती हैं। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि बीते पलों से लेकर अब तक जो भी हमारे बीच में हुआ, वही बातें मेरे दिमाग में हर वक्त चलती हैं और वही बातें मेरे मन में कोई भी शांति, कोई भी सुकून नहीं पहुंचाती हैं, जिस रीज़न की वजह से मैं और ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पाता या पाती आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आने की। ठीक है, इन्हें ये आपसे ये भी कहते हैं कि आपके फ़ोटोज़ आपके DP से देखते हैं, जिसमें आप ऑलरेडी अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत खुश हो, जिसमें आप बहुत ब्यूटीफुल भी लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो, वो फोटोज़ DP देखकर इनकी इच्छा भी होती है आपसे बात करने की, लेकिन इन्हें ये भी लगता है उन्हें देखकर कि शायद आप देखने में जब इतने खूबसूरत हो गए हो, इतने इंडिपेंडेंट लग रहे हो, तो हो सकता है नेचर में भी आपके बहुत बदलाव आ गया हो, अब वो नहीं रहे आप पहले जैसे, जैसे जिनके साथ कभी इन्होंने प्यार करा था, रिश्ते में जिसके साथ थे, क्योंकि अब इन्हें आपकी तरफ से वो केयर, वो प्यार नहीं फील होता। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो भी आपको दिखाते हैं वो ऐसा एक्चुअली में है नहीं, उसके जस्ट अपोजिट है, लेकिन ये फिर भी आपको ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें हैं कि शायद अब ये रिश्ता हम दोनों के ही काबू में नहीं रहा, हम दोनों ही अब इस रिश्ते को कितना भी चाहे नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं। और ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं और ये जानते हैं कि उस चीज़ का अब आपको भी शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि ये प्रैक्टिकल बनकर दिखा रहे हैं, इमोशनल बनकर दिखा रहे हैं, इस चीज़ का शायद अब आपके ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि 24 घंटे इस पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है, साथ में इनके मैसेजेस भी देखे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।